बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस के सेकंड लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही डिस्कस कर, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा चैप्टर था पहला, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैप्टर के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने उसके चार पाँच पॉइंट्स को क्लियर किया था। आज हम नेक्स्ट उसको रिवाइज भी करेंगे और नेक्स्ट एंड तक इसको कम्प्लीट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हमने क्या कहा था कि सबसे पहला फेज जो हमारा आता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हमने क्या कहा था, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तीसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। चौथा डिजाइनिंग, जिसमें एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे हमारे स्टेप्स थे। और इन स्टेप्स को हमने एक बात याद रखनी है कि इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए हमने ऑर्डर का ख्याल करना है, यानी इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। मीन्स कि हमारे इसकी तरतीब के अंदर यानी लिखते वक्त आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका ऑर्डर बदल देते हैं, यानी कि अगर उनको पहले स्टेप फर्स्ट क्या कोडिंग आता है तो वो कोडिंग लिखना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आता है तो इम्प्लीमेंटेशन लिखना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको लिखते वक्त और याद करते वक्त आपने इसी को इस तरतीब से ही याद करना है, यानी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहले लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, समझना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद एनालिसिस, यानी इसका ऑर्डर भी आपने नहीं बदलना। तो असल में ये आपका क्या है, एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। जिस तरह से आपका एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन की तरफ जाता है तो वो एक पूरा प्रोसीजर है। जैसा कि आपसे जैसे आपने पहले मतलब सुना होगा, पढ़ा है, समझा है। तो एक दफ़ा मैं रिवाइज करवाता हूँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। दूसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आप अपने जो यूज़र होता है या आपका जो आपका कस्टमर होता है उससे आपका इंटरेक्शन होता है, मतलब एक काफ़ी हद तक इंटरेक्शन होता है, जिससे आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपरली स्पेसिफाई करवाते हैं उससे कि भाई आपको एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट चाहिए, यानी कौन कौन सी स्क्रीन होंगी, कौन सी स्क्रीन कहाँ पे होनी चाहिए, कैसा फ्लो होना चाहिए, ये सारी डिस्कशंस आप उसके साथ क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फेज के अंदर करेंगे। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को अच्छे तरीके से जान लिया, क्योंकि अगर इस फेज के अंदर बाद में मतलब थोड़ी कुछ दिनों बाद जब आप डेवलपमेंट कर चुके हैं और उसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। तो तीसरी चीज़ आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी है, पूरा का पूरा उस प्रॉब्लम को समझना है, एनालिसिस करना है, और देन आपने क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो पहले सॉल्यूशन के अंदर पहला फेज जो आपका होगा वो डिज़ाइनिंग का फेज होगा, जिसमें आप एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे। एल्गोरिदम्स के बारे में हमने क्या कहा था कि एल्गोरिदम हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके अंदर मतलब हम स्टेप्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में ये, यानी हम अपने पूरे के पूरे अपने लिए क्या कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन के लिए अपने लिए जब हम मतलब सॉल्यूशन बनाने लगते हैं, कोडिंग करने लगते हैं, डेवलपमेंट करने लगते हैं, तो हमारा ये होमवर्क टाइप होता है कि हम एल्गोरिदम पहले डिफाइन कर लेते हैं, एल्गोरिदम बना लेते हैं कि पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये, चौथे में ये, हम अपने पेज के ऊपर ये स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं, तो चार्ट में उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ग्राफिकल इसको प्रेजेंट शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से हम इसको चीज़ को ओपन करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को ओपन करेंगे, यहाँ से ये चीज़ आएगी और यहाँ से ये चीज़, यानी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उनको तस्वीरों की मदद से हम उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। अब उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्लो समझ आ जाता है, आपका एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम भी समझ आ रहा होता है, उस प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी सारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो आपकी यहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। यानी बीच में अक्सर औकात काम करते करते या हम कुछ लिखते हुए अड़ जाते हैं, बीच में हमें कोई एक मतलब मसला आ जाता है जिसका हमें अंदाज़ा पहले से होता ही नहीं है कि ये मसला भी आना है, लेकिन फिर भी वो मसला आ जाता है। तो इस तरह की जो आपके टेक्निकल इश्यूज होंगे या टेक्निकली थोड़ी बहुत बातें होंगी या आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी लॉजिक्स होंगी, वो आपके उसी पेज के ऊपर ही क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। और कोडिंग करते वक्त आपको एक्चुअल इंटरफेस में बैठ के हुए आपको स्टेटमेंट्स लिखते वक्त आपका ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एल्गोरिदम्स बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर्स बना लेते हैं, साथ में वही फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग का फेज कम्प्लीट हो जाता है। अब डिज़ाइनिंग के फेज़ के बाद आप क्या करते हो, सारी की सारी उस डिज़ाइनिंग फेज, उस डिज़ाइन आपने रफ वर्क को, एल्गोरिदम्स को, फ्लो चार्ट्स को उठा के आपने क्या कर देना है, लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देना है। लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देना है, यानी आपने उन स्टेटमेंट्स को कोडिंग कोड फॉर्म में लिखना शुरू कर देना है। तो इस प्रोसेस के बाद यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, डिजाइनिंग, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग, ये हम यहाँ तक मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंटेशन है। ये टेस्टिंग हमारी पहली चीज़ कि टेस्टिंग क्या होता है,
टेस्टिंग दिस प्रोसेस वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ एन एल्गोरिदम इट इज डन बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम अगेन एंड अगेन. आपके पास क्या होता है, ये टेस्टिंग करते हो आप, और ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम की एक्यूरेसी को चेक करके बताता है कि आपका प्रोग्राम कितना एक्यूरेट है और कितने उसमें एरर्स हैं. एक्चुअल में होता ही है कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास, हमने क्या कहा था, ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं हमारे पास, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये हमने पढ़े थे. तो नॉर्मल में हमारे पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है. तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे पास क्या कर रहा होता है, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को, जैसे आप लिख लेते हैं जी हमारा कोड कंप्लीट है लिखना है, अब हम इससे आउटपुट लेना चाहते हैं, आप उसको पहले ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन से पहले आपको क्या होती है, टेस्टिंग होती है कि आपका क्या आया, कि वो आपने सारा का सारा सही लिखा है. उस टेस्टिंग के दौरान जैसे ही आप टेस्टिंग अप्लाई करते हो तो वो आपको दिखा देता है, अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है तो वो आपका प्रोग्राम टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाता है, टेस्ट होता है, टेस्ट होकर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, यानी आप रिजल्ट उसमें लेने ले सकते हो. लेकिन अगर उसमें कोई एरर होता है तो वो वहाँ प्रोग्राम क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और नीचे आपको कुछ कंपाइलर्स होते हैं, कुछ आपके डिबगर्स हैं जो आपको लिस्ट ऑफ एरर्स जनरेट करवा देते हैं कि ये लिस्ट है, ये एरर है. और आजकल मॉडर्न तो बता देते हैं कि यहाँ यहाँ पे एरर है, इस लाइन में एरर है. तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं. तो आपका इस प्रोसेस के अंदर आप ये वेरीफाई करते हो कि आपके प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से एरर हैं, क्या क्या एरर हैं, और इसको आप क्या करते हो. अब देखें, आपने, आपको एक एरर मिला, आपने उस एरर को रिजॉल्व किया, और फिर आपने उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, फिर उसने कहा कि और एरर है, तो फिर आपने उसको रिजॉल्व किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसने कहा और एरर है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं इट इज डन बाय एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम अगेन एंड अगेन. आप बार बार एरर रिजॉल्व करते हो और बार बार उसको एग्जीक्यूट करते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सारे एरर खत्म हो जाते हैं और आपका प्रोग्राम क्या होता है, फाइनल स्टेट में, यानी एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है. अब कंप्यूटर की जुबान में हमारे पास क्या होता है, जो एरर कह रहे हैं हम कंप्यूटर की जुबान में, इस एरर को बग कहते हैं. क्या कहते हैं, इस एरर को बग कहते हैं, यानी एरर इन एन एरर इज एन एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग. जो आपका क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर जो एरर होता है उसको हम बग कह रहे होते हैं. और इन बग्स को हमने क्या कहा कि हमने रिमूव करना है, क्योंकि हमने जैसे उसको, अगर हम बग रिमूव नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा तो रन नहीं होगा, यानी कंपाइल नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा, तो फिर तो कोई फ़ायदा लिखने का ही नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर सूरत उन बग्स को रिमूव करना पड़ेगा, उन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन एरर्स को फाइंड करेंगे और रिमूव करेंगे, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीबगिंग कहलाएगा. यानी आपका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग. यानी आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने एरर्स को फाइंड कर रहे होगे और उनको रिमूव कर रहे होगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं. एरर आपके एक ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कोई एरर हो गया उसको हमने रिमूव कर लिया, नहीं. एरर की भी कैटेगरीज हैं, एरर के भी तीन बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास कुछ सिंटैक्स एरर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल एरर्स होते हैं, कुछ रन टाइम एरर्स होते हैं. सिंटैक्स एरर्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स आपके लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होते हैं. यानी सिंटैक्स आपका, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, हम GW बेसिक की बात करते हैं, तो GW बेसिक के अंदर जैसे हमने क्या कहा था कि एवरी लाइन मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक लाइन नंबर या यूनिक लाइन नंबर. तो हर लाइन यूनिक लाइन नंबर से स्टार्ट होगी. अगर आपने यूनिक लाइन नंबर नहीं लिखा तो आपकी वो लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं. तो ये 10, 20, 30, 40 जो हम अक्सर का यूज़ करते हैं, तो ये आपके क्या हैं, आपके लाइन नंबर्स हैं, और ये लाइन नंबर आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्स का पार्ट है. अगर आप लाइन नंबर नहीं लिखोगे तो आपका सिंटैक्स वाली आपका प्रोग्राम क्या होगा, एरर आपको देगा कि आपने फला लाइन के अंदर आपने लाइन नंबर मिस किया है. इसी तरह आप कहते हो कि हर, मतलब उसके ऊपर क्या होना, हर स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, सेमी कॉलन होना चाहिए. तो इस तरह से फिर वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर देगा. तो ऐसी चीज़ें जो आपके लैंग्वेज का सिंटैक्स का पार्ट हैं या लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हैं, लैंग्वेज ने डिफाइन करके रखी हुई हैं, तो इन चीज़ों को आप क्या कहेंगे, अगर आप इन तीनों को सही तरह से स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्या देगा, सिंटैक्सुअल एरर देगा, सिंटैक्सुअल आप में बग क्रिएट हो जाएंगे. तो ऐसे एरर्स आपके क्या कहलाएंगे, सिंटैक्स एरर्स कहलाएंगे. और ये सिंटैक्स एरर आपके अपनी तरफ से जनरेट होते हैं खुद से. ऐसे लोग होते हैं जिनको लैंग्वेज के ऊपर मतलब प्रॉपर कमांड नहीं होती, तो वो कहीं पे सेमी कॉलन मिस कर रहे होते हैं, कहीं पे ब्रेसेस मिस कर रहे होते हैं. यानी अगर थोड़ी सी मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इसके मतलब GW बेसिक का तो सिंटैक्स का मतलब काफ़ी सिंपल सा ही है, लेकिन अगर इसे मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या होता है, कहीं पे आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स का इशू आ रहा होता है, कहीं पे आपके पास उस मेन फंक्शन का, कहीं पे आपने नहीं लगाने होते कॉमास तो लगा रहे होते हैं. इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वहाँ पे थोड़ा मतलब रूल्स पड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके सिंटैक्स एरर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं.
लेकिन नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टाइप ऑफ एरर होता है वो आपका लॉजिकल एरर्स होते हैं। ये आपके किस वजह से होते हैं, ये आपके पुअर लॉजिक अगर लगाते हैं आप, को मतलब बेतुकी सी लॉजिक लगा देना या एक गलत लॉजिक लगा देना उस लॉजिक से, जैसे मतलब कि एक प्रोग्रामर होता है तो वो इतना एक्सपर्ट लेवल का नहीं होता, या एक मतलब मिडल भी नहीं होता, शुरू शुरू में बच्चे मतलब जब हम सीखने लगते हैं तो हम इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स जो हमारी मतलब लॉजिक हमने सही नहीं बनाई, तो वो ऐसी मिस्टेक्स हमारी लॉजिकल एरर्स काउंट होती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम ये कहते हैं कि मतलब हमारा एग्जाम सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम के अंदर हर एक अपने रिजल्ट कार्ड देखा होगा, रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्या होता है, हर एक यानी मैथ मैथ के अंदर जी 75, 75 में से जी 25, 25 वाला पास है, और जिस बच्चे के और उसी मतलब हर एक के आगे, हर एक सब्जेक्ट के आगे लिखा होता है कि पास, और फिर ओवरऑल स्टेटस भी लिखा होता है पास। इस तरह से आपके पास क्या होता है, ये वजह क्या होती है, अब वो हर एक की तरफ से नहीं लिख रहे होते हैं, मतलब जो उनका मतलब जो बोर्ड वाले होते हैं वो क्या हर एक उसकी तरफ से लिख के दे रहे होते हैं, नहीं, वो क्या कह रहे होते हैं, उनने पीछे से एक सिस्टम बनाया हुआ होता है जिसमें उसमें उन्होंने कंडीशन लिखी होती है, जी कंडीशन क्या होती है कि मार्क्स हर एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उठाओ सब्जेक्ट के आगे यानी वो मार्क्स लिखो, यानी ऑब्टेन मार्क्स, इफ ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 75 या टोटल मार्क्स, यानी इफ ऑब्टेन मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट, जो एक खास सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे मैथ के ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपके 25 में, और उसके मार्क्स के आगे वो क्या कर देता है 75 लिखता है, यानी इफ 25 इज ग्रेटर देन 75, तो मतलब इफ ये आपके पास क्या है, मतलब कंपैरिजन होता है, यानी इस तरह से आपके कंपैरिजन करवाता है कि अगर आपके जो 20 मतलब आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 25 से बड़े हैं, यानी अगर हाँ इस तरह से हमने इस तरह से बना होता है कि आपके अगर जो मार्क्स हैं वो 25 से ज्यादा हैं तो आप क्या होंगे, पास होंगे, अगर आपके 25 से कम है तो आपका क्या होगा, वो फेल आपको कंसिडर करवाएगा। तो इस तरह से अब हर एक सब्जेक्ट के साथ, जिस तरह आपकी केमिस्ट्री के फर्ज किया 60 है तो उस 60 में से आप कहते हो कि 20 वाला है, तो आपके क्या कहेगा जी, इफ मतलब जो आपके ऑब्टेंड मार्क्स हैं वो 20 से ज्यादा हैं तो आपका स्टेटस आगे पास होगा। इसी तरह से हर एक के अंदर क्या लगा होता है, ये एरर लगा होता है, यानी ये आपका ये एक लॉजिक लगी होती है, तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं कि ये हमारा लॉजिक है। अब अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखें, यहाँ पे आप ये लिख रहे हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर का सिंबल लगा रहे हैं, यानी इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20, अगर तो आपकी क्या है मार्क्स ग्रेटर देन 20 है तो आप पास हो। अब ये ग्रेटर देन बाय मिस्टेक लेस देन में अगर बदल जाए, यानी अगर आपके पास क्या हो जाए कि आप ग्रेटर देन के बजाय लेस में कन्वर्ट कर लें या लेस का सिंबल लग जाए, जैसे मतलब अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, कोई तो कोनियों से बना रहे होते हैं और कुछ इस तरह से, किसी बच्चे का मतलब कि मिस्टेक मतलब उसको समझ ना आए कि लेस देन का सिंबल ये है और ग्रेटर देन का सिंबल ये है, और सिंबल में कन्फ्यूज होकर उलट सिंबल लगा दे, तो देखें क्या होगा, यानी कि इफ मार्क्स जो आपके बच्चे के मार्क्स हैं वो लेस देन 20 हैं तो वो पास होगा, और अगर ग्रेटर देन 20 होंगे तो वो फेल हो जाओ फेल हो रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जेनेरिकली ऐसे थोड़ा सा वो कहूँ कि हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा है जिसके मार्क्स क्या है 40 से ज्यादा है तो वो पास है, और 40 से कम है तो वो फेल है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 तो पास, एल्स में क्या आएगा फेल। अगर ये लेस देन का सिंबल ये ग्रेटर देन का सिंबल आपका क्या हो जाए लेस देन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन का सिंबल अगर लेस देन में कन्वर्ट हो जाए, यानी बाय मिस्टेक जैसे हमसे होता है अक्सर औकात, लेस देन को हम ग्रेटर देन लगा बैठते हैं और ग्रेटर देन को लेस देन में लगा बैठते हैं, तो यही होगा कि आप अगर जिस बच्चे के क्या होंगे मार्क्स 40 से कम है वो पास हो रहा होगा, और जिस बच्चे के 40 से ज्यादा मार्क्स हैं वो फेल हो रहा होगा। तो इस तरह की जो लॉजिक्स बनती हैं, इस तरह की जो एरर्स क्रिएट होते हैं, ये पुअर लॉजिक की वजह से क्रिएट होते हैं, जो हम एक नेग्लिजेंस कह लें कि बंदे की नेग्लिजेंस होती है या बंदे की लॉजिक ही खराब होती है, तो इस तरह के जो एरर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, कुछ आपके रन टाइम एरर्स होते हैं, यानी जो आपकी रनिंग टाइम के ऊपर, अब देखें कंपाइलर इनको डिटेक्ट नहीं करता, ये आपकी रनिंग टाइम के ऊपर डिटेक्ट होकर आते हैं, जैसे जैसे आप वैल्यूज देते हैं उन वैल्यूज का रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हुए आपको क्या लगता है जी ये आपका मतलब के एरर्स हो जाते हैं, यानी रनिंग स्टेट के ऊपर आपको वो रिजल्ट सही नहीं मिल रहे होते तो वो एरर्स आपके क्या होते हैं रन टाइम एरर में आते हैं। जैसे आपके अगर आप बात करें जैसे डिवीजन बाय जीरो, तो हम यूं सिंपल से बात करते हैं समथिंग ओवर जीरो तो वो जीरो होता है, चलो ये भी हम कंपाइलर को सिखा सकते हैं कि किसी चीज के ऊपर मतलब समथिंग ओवर जीरो, जीरो के नीचे कुछ भी आ रहा होता है तो आप ये कह दो कि जी भाई ये ऐसा ही है, जीरो के मतलब कि ये आपका ऐसे ही चलेगा या आपको जीरो आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप क्या करें इन्फिनिटी की तरफ जाएं, जैसे समथिंग ओवर जीरो तो इन्फिनिटी होता है, या
जीरो ओवर समथिंग क्या होता है? जीरो ओवर समथिंग आपका इन्फिनिटी होता है, और कंपाइलर को इन्फिनिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो ऐसे आप जो लिखेंगे वो आपको ऐसे गारबेज वैल्यू रिटर्न कर देगा, या आपको इस तरह की कोई मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड सा आंसर दे रहा होगा, तो आप कहेंगे यार इस तरह तक हो ही नहीं सकता, इस तरह का तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो इस तरह के जो एरर्स होंगे, जो आप आपकी मतलब वैल्यूज जिस मतलब जो चीज़ें आपने डिफाइन नहीं की होंगी, उस तरह की चीज़ों के लिए आप वैल्यूज दे रहे होंगे, और उस तरह के जो एरर्स आप मतलब डाटा ही आपने इनपुट ही सही नहीं करवा रहे, यानी अनडिफाइंड टाइप ऑफ इनपुट दे रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी अनडिफाइंड टाइप के मिलेंगे, यानी समथिंग ओवर जीरो या जीरो ओवर समथिंग। इस तरह की चीज़ें आपने अगर क्या करवानी है, डिवीजन बाय जीरो, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करवाएंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके रन टाइम एरर्स काउंट होंगे। तो सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर आपके मतलब लैंग्वेज के प्रॉपर दिए गए रूल्स के मुताबिक अगर हम नहीं लिखते तो वो आपके सिंटैक्स एरर्स काउंट होते हैं। अगर आप क्या कहते हैं, कोई लॉजिक सही नहीं लगाते, लेस देन ग्रेटर देन या इस तरह की लॉजिक्स को बदल देते हैं, यानी पुअर लॉजिक्स बनाते हैं, तो वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एरर्स में काउंट होंगे। और रन टाइम एरर, अगर आपने कोई अनआइडेंटिफाइड या अनडिफाइंड इनपुट दे दिया है, तो आपको रिजल्ट भी किस तरह के मिल रहे होंगे, अनडिफाइंड टाइप मिल रहे होंगे, जो आप कहेंगे आप जिन जिन जिनको मानने के लिए आपका दिल नहीं कह रहा होगा, नहीं यार ये रिजल्ट हो ही नहीं सकते, यानी वो आपको डिस्प्ले होते वक्त ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये एरर गलत, ये गलत आ रहा है, ये एरर है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे कि ये हमारे रन टाइम एरर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, लास्ट तीन फेजेस हैं, इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनिंग अपडेटिंग क्या होती है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, इसके अंदर जब भी हमने देखें टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग करने के बाद हमें कुछ एरर्स मिले, हमने उनको डीबग कर लिया, डीबग करने के बाद हमारे को रिमूव हो गया सब कुछ, रिमूव होने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर, यानी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ गया, यानी फाइनल के लिए, जैसे मतलब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, मीन्स कि हम उसको डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जिस जगह के लिए हमने उसको बनाया था वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये फेज़ आपका क्या कहलाएगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम कहेगा, यानी जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको आपने कोड किया है, टेस्ट किया है, कोडिंग टेस्टिंग करने के बाद आपने उसको क्या कर देना है, जिस जगह के लिए बनाया था आप उसी जगह पे क्या कर देंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये फेज़ आपका क्या कहलाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम कहेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, मेंटेनिंग ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब हो सकता है आपको मतलब कि और मेंटेन भी करना पड़े, यानी उसको बार बार मेंटेन करते रहना पड़े, कोई एरर्स उसमें आ रही हैं, कोई इनपुट्स आपने कुछ ऐसी दे रही हैं, या बार बार कहीं हाल्ट होने हाल्ट स्टेट पे जा रहा है, यानी इनपुट्स आप इस तरह की दे रहे हैं, या हैंग हो रहा है, या हाल्ट पे जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन भी करते रहना होता है, तो मेंटेनिंग भी होती रहेगी, और हो सकता है कि कुछ नई फीचर्स भी ऐड करवाना चाह रहे हों, तो उसको साथ साथ आपने अपडेट्स भी करवानी होती है, उसके रेगुलर बैकअप्स वगैरह भी बनाने होते हैं। तो इस चीज़ को मतलब बाद में इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने उसको फिर ख्याल भी रखना होता है, यानी मेंटेन और अपडेट भी करते रहना होता है। और तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, साथ में आप क्या करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, यानी जिस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, उसी तरह से आप उसकी एक यूज़र गाइड बना रहे होते हैं, एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं, यानी ये प्रोग्राम ऐसे बना है, यानी उसमें ये लैंग्वेज से बना है, इस तरह का बना है, इसका स्कोप ये है, ये प्रीवियस वर्क इतना हो चुका था, हमने जो बनाया है हमने इसके लिए बनाया है, यानी आप उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन बना के देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम। अब होता ये है कि जैसे फर्ज किया कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और मैं उसको अपडेट मेंटेन करने लगा करता रहा, लेकिन होता ये तो नहीं है कि मतलब मैं हमेशा ही उस प्रोग्राम के साथ रहूँगा, मुझे कल को छोड़ के भी जाना है, या मैं इस तरह की चीज़ें मतलब जाता हूँ, मतलब वहाँ से मैं मूव कर जाता हूँ किसी, या कोई मतलब उस चीज़ को छोड़ना पड़ जाता है और वो बंदा कोई दूसरा बंदा उस जगह को लेता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए बहुत है। वो क्या करता है, उसको सारी चीज़ों का सारी जगहों का नहीं पता होता कि ये उधर पड़ा होगा, इस तरह से उसको अंदाज़ा नहीं होता। उसको अंदाज़ा किस तरह से होगा, वो एक डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, उसको पढ़ेगा, तो उसको क्या होता जाएगा, उसकी कुछ वो इंटरफेस को देख के समझेगा, कुछ वो उसके यूज़र गाइड को देख के या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देख के उसको समझेगा, तब जाके उसको क्या हो जाएगी, उस चीज़ के बारे में हाउ हो जाएगी, और उसको फिर मेंटेन और अपडेट करना क्या रहेगा, मेंटेनिंग और अपडेटिंग उसके लिए आसान हो जाएगी, उसको चीज़ें तो समझ आ जाएंगी कि ये इस लैंग्वेज में बना हुआ है, इस तरह की चीज़ है, प्लान, तो ये सारी उसमें गाइड्स वगैरह मौजूद होंगे। तो जब हम रिकॉल कर, यहां तक हमारा क्या हो गया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। एक दफा हम इसको देख लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा टेस्टिंग यानी प्रोसेस और
वेरीफाइंग एक्यूरेसी ऑफ एरर, मतलब हमारा प्रोग्राम कितना एक्यूरेट है, उसमें जो टेस्ट है उसको हम टेस्ट करेंगे, अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, अगर एरर नहीं है तो कंपाइलर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर एरर है तो एरर को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर की जबान में बग कहते हैं, बग हमारा क्या होता है, एरर होता है। और इस प्रोसेस को रिमूव करने, यानी आपका इस बग को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। जो आपका फाइंडिंग और रिमूविंग का प्रोसीजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीबगिंग कहेंगे। और इस डीबगिंग के बाद, इस डीबगिंग करते हुए, यानी आपके पास डीबगिंग करते हुए आपको पता होना चाहिए कि एरर किस तरह का है, तो उस एरर की कुछ टाइप्स हैं, क्या है, सिंटैक्स एरर्स हैं, लॉजिकल एरर्स हैं और रन टाइम एरर्स हैं। सिंटैक्स एरर आपके पास क्या होते हैं, आप अगर लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते, यानी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, तो आपके क्या होंगे, कुछ एरर्स जनरेट होंगे, जिस टाइप उनको आप क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर्स कहेंगे। कुछ आपके क्या होंगे, लॉजिकल एरर होंगे, यानी अगर आपकी पुअर लॉजिक्स बनी है, यानी आपके आपने लॉजिक सही नहीं लगाई, यानी कहीं लेस देन की जगह पे आपने ग्रेटर देन लगा दिया, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, या डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से आपने क्या किए होंगे, अपनी मर्जी से ही कोई ना कोई मिस्टेक्स की होंगी, लॉजिकल मिस्टेक्स की होंगी, तो इनको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर्स कहेंगे। और कुछ आपके क्या होंगे, जो आपके रन टाइम एरर होंगे, जो आपकी एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर, रिजल्ट टाइम के ऊपर आपके पास क्या आ रहे होंगे, एरर्स आ रहे होंगे, जैसे डिवीजन बाय जीरो होता है तो आपके पास कुछ ऐसी अनडिफाइंड टाइप या अनआइडेंटिफाइड आपकी टाइप ऑफ आउटपुट आ रही होगी, जो वजह किसकी वजह से होगी, आपकी इनपुट के ऊपर बेस कर रही होगी, यानी आपने कैसी कोई ऐसी इनपुट दे दी होगी जो आपके ने डिफाइन नहीं की थी, तो प्रोग्राम आपका आपको रन टाइम एरर देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, यानी फाइनली जब आपके क्या हो जाएगा, प्रोग्राम के अंदर से ये सारी टेस्टिंग के दौरान ये आपके बग्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको फाइनली डिप्लॉय कर देंगे, यानी इम्प्लीमेंट कर देंगे जहाँ के लिए आपने उसको बनाया था। फिर आपको साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा और उसको अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। और बनाते वक्त हम क्या बनाते हैं, यूज़र गाइड बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ताकि बाद में उससे जो जो चीज़ें हम जिस तरह की बनाई हैं और उसको हम पढ़ के समझ के फिर उसके अंदर फर्दर उसको सेट करते रहें, या कोई दूसरा अननोन यूज़र है वो आके उस प्रोग्राम को समझना है, उसको पढ़ना चाहता है, या उसके बारे में उसको मेंटेन अपडेट करना चाहता है, तो वो उस डॉक्यूमेंटेशन से अपना फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पूरा हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग आपकी अगर कुछ हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड अलविदा।